हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए जे के एस का क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि जी एस जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर था तो देखेंगे किस किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चनज लिए गए थे और कितने मार्क्स और कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़ता है जब हम जी एस फर्स्ट की बात करते हैं जे के एस के एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव मेमोरी एज इंडियाबल इन टैंजल हेरिटेज इस पे आपको 150 वर्ड्स का आंसर लिखना था और इसके लिए आपको 10 मार्क्स थे इसके बाद डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टूपा आर्किटेक्चर तो स्टूपा आर्किटेक्चर के फीचर्स पे आपको एक नोट लिखना था वन वर्ड्स का टेन मार्क्स इसके भी थे इस तरह तीसरा क्वेश्चन था राइट ए नोट ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर दोलाज तो चोलाज की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना था और भी 150 वर्ड्स का लिखना था इसके बाद नेक्स्ट था डिस्कस द रोल ऑफ राजा राम मोहन राय इन दोशल रिलीजियस एक्निंग ऑफ नाइनटीथ सेंचुरी इंडिया राजा राम मोहन ने जो इंडिया की सोसाइटी में यहाँ के रिलीजन यानी मजहब में लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई उसके ऊपर आपको 150 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना था एक नोट लिखना था बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है खासकर अगर हम सती रस्म की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस रेलेवेंस ऑफ गुरु नानक इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो गुरु नानक की टीचिंग उनकी तालीम पर उनके हिदायत पर आपको एक नोट लिखना था वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का नेक्स्ट था आर्यन इन्वेजन इज ए मिथ और रियलिटी जस्टिफाई योर आंसर तो आर्यन इन्वेजन पे आपको एक नोट लिखना था क्या वो एक मिथ है या फिर वो हकीकत में ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर आपको आंसर लिखना था और जो भी आप आंसर लिखते आप मिथ लिखते या फिर रियलिटी लिखते अपने आंसर को जस्टिफाई करना था डिफ्रेंशिएट दजेज ऑफ लैंड स्लाइड बिटवीन हिमालयन रीजनस एंड वेस्टर्न गार्ड्स आपको क्या करना था आपको डिफ्रेंशियट करना था जो हिमालयन रीजन में लैंड आते हैं और जो वेस्टर्न गार्ड्स में लैंड आते हैं उनके काज को आपको डिफ्रेंशिएट करना था यानी किस तरह ये दोनों अलग अलग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस दी मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीशन्स ऑफ़ अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मिनरल रिसोर्सिस इन दी वर्ल्ड तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड है आपको पता ही है कि जो मिनरल रिसोर्स हैं ये अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं यानी अलग अलग जब हम जगहों की बात करते हैं अलग अलग मुल्कों की बात करते हैं तो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवर अर्थ इज ए प्ले फील्ड ऑफ टू अपोजिट जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिस्कस वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर आपको लिखना था इसमें भी टेन मार्क्स थे हाउ फॉर हैज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हेल्पड इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन यूनिटी तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का इसका भी आपको आंसर लिखना था हेम्पी इज अप्रोप्रिएटली नोन एज सिटी ऑफ इचिड इन स्टोन एक्सप्लेन दिस साइट आर्किटेक्चुरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसमें आपको 100, uh, 250 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना था इसमें 15 मार्क्स थे आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट ए नोट ऑन मनसबदारी सिस्टम अंडर मुगल रूलर तो मुगल रूलर्स में जो मनसबदारी सिस्टम था उस पर आपको नोट लिखना था 250 वर्ड्स का फिफ्टीन मार्क्स इसको भी थे डिस्कस अशोक पॉलिसी ऑफ दम एज ग्लिन फ्रॉम हिज एडिक्टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का इसका भी आपको आंसर लिखना था फिफ्टीन मार्क्स इसके भी थे राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर लिखना था फिफ्टीन मार्क्स इसके भी थे इवेल द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर आपको लिखना था इसके बाद था वाई इज इंडिया रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम नीडेड हाउ डज इट वर्क टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड का आंसर लिखना था उसके बाद था Urbanization and migration are causing a feminization of agriculture sector in India. In the light of statement, discuss the socio-economic impact of feminization of agriculture sector. 250 words ka answer likhna What do you understand by seismic noise? Discuss its impact on the seismic activities on earth's surface. 250 words ka answer likhna Explain क्लाउड सीडिंग एंड एटस एसोसिएटेड फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एन्वायरमेंटल कंसर्नस एसोसिएटेड विथ एट टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर लिखना था उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम फेसड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्ड्स का आंसर था और इसमें भी फिफ्टीन मार्क्स थे आपको तो दोस्तों ये था जेके एस का जी एस फर्स्ट uh, पेपर जो हमने आपके लिए लाया तो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो को तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर